अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जी रहमत हॉस्पिटल टाउनशिप और रश देखें जी, फ्री होने की वजह से यहाँ पे रश इतना है कि जी सुबह 5 बजे के टाइम तकरीबन लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, और इतनी इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं कि जी शाम 5 बजे तक भी अगर मुसलसल डॉक्टर चेक करें तो फिर भी अपनी बारी आने तक तो शाम होगी होगी। और सुबह के टाइम लोग यहाँ पे वॉक वगैरह करने के लिए आते हैं। बड़ी साफ सुथरी पार्क है। और जी यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा कॉमन है कि जी ब्लॉगिंग करते हुए इर्द गिर्द के लोगों की जो देखना है या जो रिव्यू है वो, क्योंकि लाहौर में बाहर जितना भी मैंने घूमा हूँ मैंने देखा है कि जी लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ के आदी नहीं हैं। और जैसे ही जी आपके हेलमेट पे या आपके बाइक पे कैम वगैरह लगा होता है तो लोग इस तरह देखते हैं कि जी ये कोई अनोखी चीज़ है। मेरे तो वैसे भी ये नहीं। जिना हॉस्पिटल कोकल न्यास पे इस तरफ जो ये रोड है ये सारे इस तरफ आते हैं। मार्केट लाहौरियों की खास तौर पे आदत, सब सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है।
इसी तरह जी तेज ब्लॉक में एक जी तेज ब्लॉक कैंप मार्केट है, फिर आगे आएगी तेज ब्लॉक लेडीज मार्केट, तकरीबन दोनों मार्केट में सेम ही मार्केट में स्टेज में लोगों की, यहाँ के काम करने वाले लोगों की आदत जी, शाम को 3-4 बजे के टाइम दुकानें खुलने शुरू होती हैं और रात लेट नाइट जो है दुकानें खुली रहती हैं, सारा दिन हम सोते हैं और रातों को हम उठते हैं। स्टाफ को तो जी अब पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलरिटी मिली है और इस स्टाफ को बहुत सारे लोग जानते होंगे, मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब, यही उनकी मस्जिद है और यहीं पे उनके काफ़ी वगैरह इजतमा वगैरह इजलास वगैरह यहीं पे होते हैं और वो जब हयात थे तो यहीं पे वो जुम्मा भी करवाते थे। यहाँ पे
कि रात के टाइम तो कुछ हालात बेहतर ही होते हैं, लेकिन तकरीबन सुबह 8-9 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक इस रोड से ख़ास तौर पे गाड़ी लेके निकलना तो एक अजियत वाला काम है। बाइक फिर तो भी गुजर जाती हैं कोशिश करके इर्द गिर्द से, लेकिन गाड़ी को लेके गुजरना बहुत ही मशक्क़त का काम है। वही आगे सनी एक्सप्रेस और कासम हुआ, बिलाल ट्रेवल, नया जिया टास्क हाईवे, अरे इसी जगह पे।